लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने संभाली सेना की कमान, विपिन रावत की जगह ली। योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या में जल्द होगा राम मंदिर का निर्माण। कश्मीर घाटी में शीतलहर से मिली राहत, नए साल में हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में नागरिक घायल। अब समाचार विस्तार से। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने मंगलवार को 28वें थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। वे 13 लाख सैनिकों वाले बल का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये कार्यभार ऐसे समय में संभाला है जब भारत सीमा पार से आतंकवाद और सीमा पर चीन की ओर से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उपसेना प्रमुख पद पर रहे जनरल नरवाने ने जनरल विपिन रावत का स्थान लिया। जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि संतों की साधना व्यर्थ नहीं जाती है और अब अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य संतों की साधना व्यर्थ नहीं जाती है। संतों की 500 वर्षों की साधना के बाद श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया है और अब अयोध्या में शीघ्र ही भव्य राम मंदिर बनेगा। कश्मीर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में सुधार होने के चलते लोगों को शीतलहर से कुछ राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार से घाटी में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि घाटी में रात के तापमान में कल रात सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में बीती रात पारा 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंगलवार को बारूदी सुरंग विस्फोट में एक नागरिक घायल हो गया है। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका। घटना की जांच की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए साल की सुबह बड़ी राहत लेकर आ रही है। सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स को हटाकर जम्मू कश्मीर में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में वस्तुओं पर टोल टैक्स लग रहा था। इसे हटाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के व्यापारी पिछले 2.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर वित्तीय विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2020 से लखनपुर में स्थापित टोल प्लाजा हटा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 अगस्त के बाद से हिरासत में रखे गए 5 राजनीतिक नेताओं को सोमवार को रिहा कर दिया। ये पांचों नेता नेका और पीडीपी के हैं, जिन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया था। अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती अब भी नजरबंद है। रिहा किए गए नेताओं में नेका के इशफाक चब्बर वे गुलाम नबी बट तथा पीडीपी के बशीर मीर, जहूर मीर और यासिर रेशी शामिल है। पंथक तलमील संगठन ने एक प्रेस वार्ता कर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जो कैलेंडर रिलीज किया गया उसके बारे में जानकारी दी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ते शिरोमणि अकाली दल वालों यह कैलेंडर जड़ा बड़ा बड़े पद्धर से रिलीज किया और ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ इंडिया के विच नहीं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जी है जितों तक सिख धर्म का संबंध है और हर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चाहे वह जगह पर रह रहा गुरु नानक नाम लेवा सिख उसने इसमें बड़ी तनदेही नाल इसमें एक्सेप्ट किया। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस ने एक प्रेस वार्ता कर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से अपील की कि वो उनकी रोकी गई रिजर्वेशंस और प्रमोशंस को बहाल करें। प्रमोशन जो है अक्टूबर 2015 में स्टक डाउन हुई थी, जेएनके हाई कोर्ट ने की थी। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से स्टेटस को लाया, उसके बाद स्टे ऑर्डर लाया। लेकिन जहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है उसने हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन को उसे ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया और आज तक कर रहे हैं। सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये रहा कि 1 मार्च 2019 को जब प्रेजिडेंशियल ऑर्डर आया, वो जहाँ पर प्रेजिडेंट रूल था, प्रेजिडेंशियल ऑर्डर को प्रेजिडेंट रूल में ही नहीं लागू किया गया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट और क्या हो सकता है। बहुफोर्ट जम्मू में सिविल डिफेंस की तरफ से एक मॉक ड्रिल चलाई गई। मैं सिविल डिफेंस में हूँ तो हमारा ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे मॉक ड्रिल्स हो गई, जैसे अवेयरनेस कैंप्स हो गए, तो उसी के चलते आज हम यहाँ भी एक मॉक ड्रिल चला रहे हैं जिसमें हमने अपने वॉलंटियर्स को तैयार करना होता है कि कोई ब्लास्ट हो जाए तो कैसे आपने रेस्क्यू करना है, कैसे उनको लोगों को बचाना है, कैसे उनकी अगर कोई मर गया है, डेड बॉडी है, तो उसको कैसे जगह पे रखना है, अगर कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल कैसे जल्दी ले जाना है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्र सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब,
committed to prove quality, patient care and diagnosis under one roof. 51/9 Trikuta Nagar near police station. Puri exclusive woman. Designer suits, saris, lehengas and bridal gowns. Ganesh Deya Nursing Home, Talaptilo Road, behind petrol pump, Pakka Garad, Jammu. Friends Toys. Visit for all kinds of toys for all age groups. Sanjinagar, Jammu.